गरिमा, स्वागत है आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जमीयत ए उलमा हिंद अररिया इकाई की बैठक चांदनी चौक स्थित जामा मस्जिद में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हुसैन ने की, जबकि मंच का संचालन महासचिव मुफ्ती अतहर कासमी ने किया। बैठक में 3 एजेंडा पर चर्चा हुआ और जिले में सदस्यता अभियान पर विचार विमर्श किया गया। जिला अध्यक्ष डॉक्टर आबिद हुसैन ने कहा कि 31 दिसंबर को जिले में 9 ब्लॉक में सदस्यता अभियान के तहत कैंप लगाकर लोगों को जोड़ा जाएगा। आज की जो बैठक की क्या मकसद था? आज की बैठक का 3 एजेंडा था। नंबर 1, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो मुतवक्के फैसला है, मुमकिना जजमेंट होना है। इंशाल्लाह हम जो भी फैसला आए वो हमारे हक में हो या मुखालफत में हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और फैसले को हम कबूल करेंगे और साथ ही फैसले के बाद इंशाल्लाह अमन को बाकी रखेंगे और बरकरार रखने में पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा एजेंडा ये था कि वोटर वेरिफिकेशन के ताल्लुक से जमात अररिया ने बहुत कोशिशें की, जिन्होंने काम किया उनकी हौसला अफजाई की गई, जो काम बाकी है इंशाल्लाह हम उसको अंजाम देंगे। तीसरा, मिंबर सादी मुहिम है। जमात उलमा हर 2 साल के बाद अगले टर्म के लिए इंतखाब करती है, उससे पहले मिंबर सादी मुहिम चलाती है। आज कई इस बैठक में तय किया गया कि 31 दिसंबर तक जमात उलमा हिंद का प्रोग्राम है मेंबर शादी मुहिम का। हम लोग गांव-गांव, करिया-करिया, पंचायत ब्लॉक तक इसको पहुंचाएंगे और हर फर्द को इंशाल्लाह मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत को इसका मेंबर बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अतहर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा जिला अररिया।